हेलो एवरीवन, मैं हूँ रवि स्वामी और स्वागत है आपका कैडीमेट स्टूडेंट कॉर्नर में। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्वर्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। तो आज जो एक्सरसाइज है वो कुछ इस प्रकार की है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका बेस। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 42 इसकी लेंथ ले सकते हैं, हम लेंथ मान सकते हैं 42 है, और जो इसकी विड्थ है वो हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप वैल्यू गिवन है 30 प्लस यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 10 है और इधर भी 10 है, तो ये 42/50 है। तो हम यहाँ पर एक बॉस एक्स ट्यूब ले सकते हैं डायरेक्टली, और जो इसका सेंट या टॉप प्लेन है वो यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया वो भी सेंटर से। तो जो इसकी ये वाली वैल्यू है ये हमने यहाँ पर रखी 42, और ये वाली वैल्यू है उसको हमने 50 पुट किया। इसके बाद में हम इसको डन करेंगे। डन करने के बाद में क्योंकि हमने एक्सट्रूड यूज़ किया है, तो यहाँ पर जो इसकी हाइट है वो हम देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 20 है, ये 15 है प्लस 10, तो 25 प्लस 20, तो अपने हमारे यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी इसकी 45। आप चाहो तो इसको मिड में रख सकते हो, अगर मिड से वर्क करना चाहते हैं तो। मिड से मैंने रखा इसको और देन डन। ये आउटर बॉक्स हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर 15 प्लस 10 का यहाँ पर कट है सीधे, वो भी 10 तक। तो डायरेक्टली ये वाला प्लेन सेलेक्ट करेंगे, आप एक्सट्रूड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप एक रेक्टेंगल से इस तरह से आप रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देंगे आप 25। इसके बाद में इसको डन करेंगे, और डन करने के बाद में जो इसका कट है वो आप यूज़ कर लेंगे। तो हमें पता है जैसे कि ये 42 है, उसमें से 10 लेस कर देंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी 32, ठीक है। 32 तक हम क्या कर देंगे, इसको कट कर देंगे, कंट्रोल सेविन करेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा प्रेजेंटेबल है फिलहाल, ठीक है। इसके बाद में हम इसको यहाँ पर फिलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करनी है आपको और ये सेलेक्ट करनी है। इसके बाद में यहाँ पर जो वैल्यू है वो 10 गिवन है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से कंसिडर हो चुका है। इसके बाद में आप देखेंगे ये 10 का यहाँ पर स्लॉट है, तो सेम ये फेस सेलेक्ट करके आप कट का यूज़ कर सकते हैं। स्लॉट यूज़ करेंगे तो यहाँ पर इसका सेंटर यूज़ करेंगे हम, और सामने इसका भी सेंटर हम यूज़ करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर एक जो ये आउटर सर्किल है इसकी रेडियस या डायमीटर यहाँ पर गिवन है 10 डायमीटर, तो हम 5 रेडियस यहाँ पर ले लेंगे। इसके बाद में हम इसको एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर कट क्रिएट करेंगे, कंट्रोल सेविन, वापस प्रेजेंटेबल। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर भी सर्किल है, उस सर्किल का हम सबसे पहले यहाँ पर फ्लेट यूज़ करके और इसको हम फ्लेट देंगे, इसके डायमीटर और इसकी रेडियस है 10। इसके बाद में यहाँ पर एक सर्किल और है जो अपने 12 डायमीटर का है, तो वही फेस सेलेक्ट करेंगे हम। देन इसके बाद में यहाँ एक सर्किल क्रिएट करेंगे हम, तो जो सेंटर है इसका वहाँ से हमने 12 डायमीटर का एक सर्किल लिया, इसको हम एडजस्ट करेंगे और इसको हम कट कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमने इसको कट लगा दिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि ये ट्रायंगुलर कट है, इसके बाद में एक और कट है, तो हम इसमें पहले ट्रायंगुलर कट लगाएंगे। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है यहाँ से 10 है, और 10 के बाद में यहाँ से जो ये ऊपर वाला पार्ट है तो वो वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम इसको 5 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से ये वाला फेस सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड कट लेंगे, यहाँ से इस डायरेक्टली एक ट्रायंगुलर क्रिएट करेंगे, तो इस तरह से रहेगा वो। इसके बाद में हम यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन यूज़ करेंगे, जैसे इस एज से और इस पॉइंट तक की एज हम यहाँ पर 20, आप देख सकते हैं 20 गिवन है। इसके बाद में हम यहाँ से और इस पॉइंट तक की एज रखेंगे 5, इसकी वैल्यू 5 रखी हमने। इसके बाद में इसको एग्जिट करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आता है कि लाइक कट कितना करना है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 32, या आप अप टू सर्किल आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से 5 वैल्यू लेनी है और कट लगाना है हमें 8 ऊपर तक, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे एक्सट्रूड कट। इसके बाद में हम यहाँ से कन्वर्ट एंटिटी यूज़ कर सकते हैं आप चाहो तो, या फिर आप कन्वर्ट एंटिटी यूज़ कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप रेक्टेंगल के थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने सेंटर से एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, ठीक है, इसकी नीचे से वैल्यू है 8, तो स्मार्ट डायमेंशन इस एज से और इस एज तक की वैल्यू हम रखेंगे 8, और यहाँ से इस पॉइंट से और इसकी इस एज तक की वैल्यू रखेंगे हम 5,
और इसके बाद में हम देखेंगे कट कितना है, तो कट ये एंड तक है जहाँ तक, तो हम इसको क्या करेंगे, रेक्टेंगल को थोड़ी जो एज है इसको थोड़ा आगे तक लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे इसके से, और जो यहाँ कट है वो आप यहाँ देख सकते हैं वैल्यू 20 है, तो हम यहाँ पर इसकी जो वैल्यू देंगे वो यहाँ पर वैल्यू है पुट करेंगे हम 20। इसके बाद में इसको डन करेंगे, कंट्रोल 7 करेंगे, आप देखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा प्रेजेंटेबल है। इसके बाद में एक स्लॉट और कट है जो अपने 12 तक है, और इधर इसका 12 ही डायमीटर है, तो हम एक्सट्रूड कट लेंगे, ये फेस सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर एक स्लॉट लेंगे एंड टू एंड यहाँ से, और ये वैल्यू लेंगे जिसका डायमीटर है 12, तो यहाँ से इसकी जो रेडियस ये लेगा स्मार्ट डायमेंशन यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसकी रेडियस हम 6 पुट कर देंगे, और जो ये वैल्यू है वो भी ये यहाँ पर 12 ले रहा है, तो हम 12 इसकी वैल्यू रखेंगे, ये थोड़ा आगे तक आ जाएगा आराम से। इसको एग्जिट स्केच करेंगे, एग्जिट करने के बाद में हम इसको यहाँ पर कट कर देंगे, एग्जिट करने के बाद में हम यहाँ पर इसको कट कर देंगे। अब कंट्रोल 7 करके देखेंगे आप, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है हमारा एग्जैक्ट प्रेजेंटेबल है, यहाँ पर कोई कमी नहीं है ऑब्जेक्ट में, तो इस तरह से आप सॉलिड मॉडलिंग के ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्रिपेयर रहें, जल्दी से जल्दी हमारी नेक्स्ट वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।